Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 6, division. In previous video, I had explained you exercise 6.4. In today's video, I am going to explain you question 1 of exercise 6.5. So let's start. Your question is, divide each of the following. आपको divide ही करना है. But difference क्या है? अभी तक हमने टू डिजिट नंबर से डिवाइड किया है, मींस जो आपका डिविडेंड था वो टू डिजिट था. अब हमारे पास जो डिविडेंड है वो आपके पास थ्री डिजिट और फोर डिजिट, ठीक है. सो आपका डिवाइड थोड़ा और एक लेवल ऊपर आ गया, ठीक है. डिवाइड का फॉर्मूला सेम ही है, जैसे हम स्टेप फॉलो करते हैं उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. योर ए पार्ट इज 154 डिवाइडेड बाई 3. 154 को किससे डिवाइड करना है? 3 से. So, write down 154 and 3 is your divisor. पहले हमने 1 चेक किया, first digit 1, वो आपका divisor से छोटा है. तो जब आपका number, पहला number छोटा होता है, हमें क्या करना होता है? 2 digit लेते हैं हम. तो हम क्या लेंगे? 15, ठीक है. अब 3 की table पे 15 आता है ना, 3 5 सा 15. So, 3 5 सा 15, वो 15 आप यहाँ पर write down करोगे. माइनस 5 माइनस 5 इज 0, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, ठीक है. आपका यहां खत्म हो गया. अब नेक्स्ट 4 है, तो हम 4 को यहां नीचे राइट डाउन करेंगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है. अब 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है ना. तो 4 से छोटा क्या आता है? 3, 1 सा 3. सो 1 टाइम पर 3, 1 सा 3. अगेन सेम स्टेप सब्ट्रैक्शन का, 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है. सो आपके पास कोशेंट क्या आ गया? 51 एंड योर रिमाइंडर इज 1, ठीक है. इसको और अच्छे से समझने के लिए कम टू द डी पार्ट. योर डी पार्ट इज 750 डिवाइडेड बाय 5. 750 को किससे डिवाइड करना है? 5 से. सो 750 इज योर डिविडेंड. 5 से डिवाइड करेंगे हम. फर्स्ट डिजिट हमारा 7 है, तो वो ऑलरेडी 5 आपके डिवीजर से ग्रेटर है. इट मींस हम नेक्स्ट डिजिट नहीं लेंगे, एक ही डिजिट से पहले डिवाइड करेंगे. 5 आंसर 5, देन 5 2 से कितना हो रहा है? 10. 10 आपके इससे बड़ा आ रहा है, तो इट मींस हमें प्रीवियस नंबर लेना पड़ेगा. 5 1 सा 5. सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? माइनस का, यहां पर माइनस का सिंबल. 7 में से 5 माइनस किए, कितना आंसर आएगा आपके पास? 2, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट डिजिट को राइट डाउन करना है. सो 5 को हम राइट डाउन करेंगे. अब ये हमारा नंबर क्या बन गया? 25. सो हम चेक करेंगे 5 की टेबल में 25 आता है. 5 5 सा 25. सो 5 5 सा 25, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? सब्ट्रैक्शन का. सो सिंपल पुट करेंगे, 5 माइनस 5 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है. यहां कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप 0. अब हमें 0 को भी डिवाइड करना है. अब अगर हम 1 टाइम पर भी डिवाइड करें तो हमारे पास 5 ग्रेटर आ रहा है. सो 1 से नीचे क्या आएगा? 0. 5 0 जा, तो हम 0 पर डिवाइड करेंगे. 5 0 सा 0. इसको आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, ठीक है. सो आप माइनस भी करोगे तब भी आपका आंसर 0 ही आ जाएगा. बट इसको छोड़ना नहीं है, आपको 0 को भी डिवाइड करना होता है, ठीक है. सो 750 को जब आपने 5 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? योर क्वोशेंट इज 150 एंड योर रिमाइंडर इज 0, ठीक है. नाउ कम टू द जी पार्ट. जी पार्ट में हमारे पास क्या है? जो हमारा डिविडेंड है वो 4 डिजिट नंबर है. सो रूल हम सेम फॉलो करेंगे डिवीजन के. योर सॉल्यूशन इज 4914. किससे डिवाइड करना है? 7 से, ठीक है. सो हमने पहला डिजिट चेक किया, 4 स्मॉलर है, तो हमें 2 डिजिट लेंगे. 49. 7 की टेबल में 49 आता है. यस, कहां पर आता है? 7 टाइम पर. सो 7 7 सा 49. नेक्स्ट माइनस करेंगे हम.
9 माइनस 9 इज 0, 4 माइनस 4 इज अगेन 0, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट को राइट डाउन करना है, 1 को हमने राइट डाउन किया, ठीक है। अब हम देखें तो हमारा जो डिवीजर है वो बड़ा है, अगर हम 1 टाइम से भी डिवाइड करें तो तब भी हमारा 7 आ रहा है, तो हमें इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से, 7 0 सा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा माइनस का, तो हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 इज 1। अब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे आएंगे, ठीक है, 4। अब आपके पास नंबर क्या बन गया, 14। अब 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स पर, सो 7 2 आर 14, अगेन माइनस, 4 माइनस 4 इज 0, 1 माइनस 1 इज अगेन 0, सो आपका क्वेश्चन कितना आ गया, 702 एंड योर रिमाइंडर इज 0, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, थैंक यू।